अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमना आज किचन विद मी आमना सईद। और आज मैं आप लोगों के लाई हूँ सैंडविच की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो है घर में जो मटेरियल, मतलब के घर में जो जैसे कि आप कुछ बनाते हो, जैसे कि आपने आलू की कथलियाँ बनाई हो या कुछ बनाया और वो बच जाता है और फिर वो वेस्ट हो जाता है, कोई खाता नहीं, तो उसी से बनाएंगे ताकि वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखो मैंने ये पीस ले लिया था, ठीक है, और उस पर जो है ना मैंने इसके कॉर्नर्स काट दिए। कॉर्नर्स काट के मैंने उस पर हल्का सा मायो लगाया है और केचप थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, ठीक है। आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये देखो आलू की कतलियाँ हैं, जीरे की कतलियाँ जो बनी थी हमारे घर पर, तो मैंने सोचा कि जब भी जो है बचती हैं तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये रेसिपी, शायद आप लोगों को पसंद आए। और यहाँ पे जो है ये अच्छे से जो है मैं इसको रखूँगी, ठीक है, इसको अच्छे से हम सेट करेंगे। और सेट करने के बाद ये जो दूसरा पीस है ये इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको सेंटर से जो है वो कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक, इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे जो है जो कॉर्नर्स काटे थे उनको भी वेस्ट नहीं करेंगे और उनके भी जो है हम ब्रेड क्रम्स जो है वो बना के रेडी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है अब हमने क्या किया है, इस पर जो है हल्का हल्का सा जो है हम ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, हल्का हल्का सा जो है वो बटर लगा लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा, लाइट लाइट सा आपने बटर लगाना है इस पर हर पीस पे, ठीक, इस तरह। जो भी बटर आपको पसंद हो, जो भी आप यूज़ करना चाहो आप वो कर सकते हो। और यहाँ पे जो है हम इसको अब रखेंगे सैंडविच मेकर में इस तरीके से सेट करेंगे इसको, ठीक, इसी तरह इसमें भी रखेंगे। और अब इसको हमने बंद कर दिया है, जब ये लाइट जो है इसकी ऑफ हो जाएगी तो हम इसको खोल के निकाल लेंगे। यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है तो मैंने इसको खोल के निकाल लिया। ये देखो ये कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अगर आप लोग चाहो तो टर्न करके भी इसको रख सकते हो, ठीक है, दूसरी साइड पे भी, ताकि अच्छा सा आपका कलर आ जाए। और बस अब इसको निकाल लेंगे, इसी तरह से जो है हम सब कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखो सब बनके रेडी हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।